हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं भैया बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा शेफ मूवी के बारे में। भैया एक अच्छी फिल्म होने के बावजूद अगर वो चले नहीं तो ये तो यार ऑडियंस पे ही ब्लेम उठाना पड़ेगा। जुड़वा 2 बहुत बढ़िया नहीं बोलूंगा मैं, एक नॉर्मल फिल्म ही है, एक फिल्म का रिमेक है, उसके बावजूद इतना बढ़िया चल रही है। वही अगर देखा जाए तो सैफ अली खान की शेफ मूवी को बढ़िया रेटिंग मिली है। जुड़वा 2 को 2 स्टार मिले थे भैया, रेटिंग 2 स्टार से ज्यादा किसी ने दिए थे, और शेफ मूवी को 3.5 स्टार की एवरेज रेटिंग मिली है। उसके बावजूद पहले दिन का कलेक्शन शेफ मूवी का 1.05 करोड़ रहा है। 30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 1.05 करोड़ रहा है, तो उससे यही साफ है कि यार जनता जनार्दन पता नहीं क्या सोचती है, किस तरह की फिल्में देखती है, और पता नहीं कुछ भी हो सकता है। सेकंड डे का जो मेरा प्रेडिक्शन इस शेफ मूवी का वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मेरे हिसाब से 2 से 3 करोड़ के हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। आपकी क्या राय है, क्या लगता है शेफ मूवी को सेकंड डे, आई मीन शेफ मूवी का सेकंड डे का कलेक्शन क्या होगा, और क्या ये एक अंडरडॉग फिल्म जैसे साबित होगी? क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ही कम बार ऐसा हुआ कि सैफ अली खान की फिल्म को इतनी बढ़िया तरह से रिव्यू मिले, ऊपर से सैफ अली खान की तारीफ की गई, उनकी वन ऑफ द बेस्ट रोल्स कहा गया है, लेकिन ऑडियंस अगर पसंद नहीं करेगी तो यार फिल्म का तो बंटा दादा हो जाएगा। क्या लगता है कहां तक फिल्म कमा पाएगी दूसरे दिन शेफ मूवी, जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भैया। चलिए बाय बाय।